देखिए वी लुक अप के साथ हमारे पास लिमिटेशन है कुछ हमारे, जब भी हम वी लुक अप, हेलो आवाज क्लियर है मेरी? जैसे कि बता रहा था कल हमने वी लुक अप पढ़ा था, तो वी लुक अप एक लिमिटेशन होती है, वैल्यू यहाँ पे है ना, आपको डेटा इधर सिलेक्ट करना है, इसमें क्या लिमिटेशन है, जो लुकअप वैल्यू है जो आप ढूंढ रहे हैं लुकअप वैल्यू लेफ्ट साइड से पहले कॉलम में हो आपके सिलेक्शन, तो क्या होता है कि अगर आपको मान लीजिए एम्प्लॉई आईडी इधर होता और कोई डिटेल इधर होता तो आप लोग ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं, केस में आप मैच इंडेक्स वगैरह यूज कर, तो मैं कह रहा था कि जो वी लुकअप में है ना, वी लुकअप में क्या होता है कि जो आप डेटा सिलेक्शन करते हैं आईडी जो ढूंढेगा वो सबसे लेफ्ट कॉलम में ढूंढेगा, यानी कि पहले मान लीजिए कि आपकी ये जो डिटेल है वो यहाँ, इस केस में तो आप वी लुकअप से कर नहीं सकते, वी लुकअप अगर मान लीजिए डालना चाहे सिटी ला रहा हूँ क्या मुझे क्या करना पड़ेगा, वी लुकअप करके ये वैल्यू लिखी सिलेक्ट की, पहली चीज तो ये गलत हो गई कि सिलेक्शन के अंदर पहली आईडी वो होनी चाहिए, ठीक है जी, यहाँ तो सिटी में तो सर्च करेगा नहीं और यहाँ से लेते हैं फिर ये छूट जा रहा है, और कॉलम इंडेक्स हम माइनस करके भी नहीं डाल सकते कि माइनस वन करके ले जाए, ठीक है जी, एरर दिखाए, तो इसके लिए हम लोग कभी इस तरह की जो आती है दिक्कतें, यहाँ पे हम वी लुकअप के अलावा और भी फंक्शन है हमारे जो इनको यूज किया जा सकता है, इसमें से हमारे जो फंक्शन है मैच और इंडेक्स का, ठीक है जी, अब मैच इंडेक्स को जानते हैं क्या होता है, मैच इंडेक्स सबसे पहला है मैच फंक्शन, मैच मैच आपका कुछ कुछ वी लुकअप की तरह मिलता है, लुकअप वैल्यू मैंने ये दे दी, लुकअप एरे में मैंने ये एम्प्लॉय आईडी दे दी, ठीक है जी, और मैच टाइप आपसे पूछेगा एग्जैक्ट मैच लेस देन ग्रेटर देन, तो एग्जैक्ट मैच पे ही जाएंगे जीरो वही, ठीक है जी, तो ये इसने रिजल्ट तो दिया, मतलब इसका मतलब इसे मिला तो है पर क्या मिला है ये नहीं पता, ये सिक्स दिया है इसने, ठीक है जी, ये क्या रिटर्न करता है पहले हमें इसके देखना है, अगर जानना है कि ये फंक्शन काम कैसे करता है हम यह एफएक्स में जाके देख सकते हैं, और ये हमें बता रहा है रिटर्न द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन आइटम इन एरे दैट मैच अ स्पेसिफाइड वैल्यू इन स्पेसिफाइड, ज्यादा टेक्निकल नहीं जाते बस इतना समझ लीजिए कि जो डेटा सिलेक्टेड था उसमें कौन से नंबर पे है, पहले नंबर पे ई आई डी है, सेकेंड पे 001 002, तो ये कुल मिला के जो E005 था वो 6 नंबर पे था, तो वो नंबर रिटर्न किया, और ये नंबर रिटर्न किया, अब हमें नंबर से वैल्यू रिटर्न करनी है, तो हमारे पास है इंडेक्स का फॉर्मूला, इंडेक्स में हम वही सेम एरे दे देंगे, और रो नंबर कहां से, ये हमें जो इंडेक्स पोजीशन दे रहा है वो रो नंबर ही है इसका, मैंने ये ले ली रो नंबर यहां से, ठीक है जी, आ गया हमारे पास सेम चीज, ठीक है जी, इसने रिटर्न कर दी है, अब एक जुगाड़ लगाते हैं कि एरे में जब हम कह रहे हैं कि इंडेक्स क्या करता है कि जो भी एरे आप दे रहे हैं, पहला इसका एरे है, जो भी एरे दे रहे हैं आप उसमें रो नंबर जो बताएंगे उसमें से उस रो की वैल्यू आपको निकाल के दे देगा, ठीक है जी, तो मैं क्या करता हूँ इस कॉलम को मैं जरा शिफ्ट कर देता हूँ सिटी पे, ठीक है जी, अब ये दोनों डेटा पैरेलल हो गए, अब मैं यहाँ पे E005 जब यहाँ पे देखूंगा और जब मैंने इंडेक्स में ये वाली रो दी है तो 6 नंबर यहाँ से लेगा पर निकाल के वैल्यू इसमें से दे देगा 6 नंबर, ठीक है जी, तो इस तरह से इंडेक्स मैच वर्क करता है, ठीक है जी, इसके वर्किंग में कोई कंफ्यूजन? सर हाँ जी,
सर ये जो आपने लुकअप एरे लिया है जो, हाँ वो एरिया लेना है जहाँ से हमें वो वैल्यू सर्च करनी है, हाँ वो एरिया, वो मैच एरिया में क्लिक करना है या हमेशा फिर? लुकअप एरे जो आ रहा है आपका मैच में आ रहा है, मैच में जी वही चीज, वही आप कॉलम सिलेक्ट करेंगे जिसमें आपकी की वैल्यू ढूंढी जानी है, मतलब एम्प्लॉय आईडी है तो किसमें ढूंढी जानी है, एम्प्लॉय आईडी में, ठीक है जी। मैच में हमेशा वही आएगी। देखिए क्राइटेरिया क्या है, यहाँ से इसने एम्प्लॉय आईडी उठाई मैच ने, यहाँ से लुकअप वैल्यू उठाई, देन लुकअप एरिया में क्या दे दिया मैंने, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है जी। अब बस इसमें से उसने ये वाली वैल्यू मैच करानी कि जहां मिल जाए उसका आपको इंडेक्स नंबर दे दे रहा है, और उस इंडेक्स नंबर से इंडेक्स फॉर्मूला के जरिए मैं किसी भी कॉलम से वो निकाल सकता हूँ सेम इंडेक्स नंबर। आप पर ये देखेंगे कि अगर मैंने ये दायरा दे दिया ना, तो इस सिलेक्शन में से छठे नंबर की वैल्यू दे गए, ठीक है जी। इसको कर देते हैं, तो सिलेक्शन में से छठे नंबर की वैल्यू देगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। अगर हम जीरो काउंटिंग दोनों करता है सर, ये हैं जीरो से काउंटिंग करता है, ये नहीं वन से करता है, जीरो से नहीं करता, वन से, ओके वन से, वन से करता है, जीरो से नहीं करता, जीरो ओके से जो करता है आपका ऑफसेट करता है, ठीक है जी। ओके तो ये इंडेक्स मैच का हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखिए एक साथ कैसे यूज करते हैं इसको, पहले मुझे चाहिए एम्प्लॉय नेम, तो मैंने इंडेक्स का फॉर्मूला लगाया, इसमें डाल दिया मैंने एम्प्लॉय नेम, ठीक है जी। देन रो नंबर चाहिए तो यहाँ मैच का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ लुकअप वैल्यू आ गई मेरी, लुकअप वैल्यू ये आ गया, देन जीरो और ये ब्रैकेट, तो ये इस तरह से हमारे पास नाम आ गया। अब मुझे इसमें क्या चीज फिक्स रखनी है, जो मैच वाली चीज है ना ये मुझे फिक्स रखनी है, तो इस पे डॉलर लगा देता हूँ। बाकी इसमें क्या करना है, लुकअप वैल्यू का कॉलम फिक्स करना है, तो जी के आगे डॉलर लगा दिया, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, ड्रैग करता हूँ, यहाँ देखता हूँ, यहाँ से मुझे बस खिसकानी है, ये तो आपकी एम्प्लॉय आईडी रही, यहाँ सिटी चाहिए मुझे, तो सिटी कहाँ है, इसको खिसका के मैं सिटी पे ले गया, ठीक है जी। यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी, सिटी आ गया, देन सेल्स का चाहिए तो ये यहाँ पे आ गई, ठीक है जी। अब ये डेटा मैं ड्रैग कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो वी लुकअप का अल्टरनेट है और जिसको हम किसी भी डायरेक्शन में यूज किया जा सकता है, इसके साथ कोई लिमिटेशन नहीं, ठीक है। दोनों साइड काम करता है सर, दोनों साइड करेगा ये ऑब्वियस सी बात है इसका, क्योंकि वी लुकअप तो स्पेशली डिजाइंड है लुकअप करने के लिए वैल्यू को, ठीक है जी। तो उसका पैरामीटर में हम क्या करते हैं कि ये सिलेक्शन इस तरह से देते हैं, सिलेक्शन में हमें क्या करना होता है कि लुकअप वैल्यू होती है, टेबल एरे होता है और कॉलम इंडेक्स की, इसमें से कौन सा कॉलम उठाना है, तो डेफिनेटली सी बात है कि ये वैल्यू कहाँ सर्च की जाए, ये कहाँ सर्च की जाए, तो उसको पहले से ये बताया गया है कि पहले ही कॉलम में सर्च करना है, ठीक है जी। पर जबकि इसके साथ ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है क्योंकि ये अलग अलग फंक्शन है, तो मैच में मैं हमेशा क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉय आईडी अलग से ही सर्च कर रहा हूँ, ठीक है जी। और बाकी जो इंडेक्स में से अलग अलग पोजीशन देके उनका इंडेक्स उठवा रहा, ठीक है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं, समझ आ जाएगा आपको, ठीक है जी। इसको पहले जैसा मैं बना देता हूँ, जैसा ये डाटा था हमारा, देखिए वी लुकअप के साथ तो मैच, हाँ यूज करता हूँ वी लुकअप के साथ भी मैं एक अच्छा खासा यूज करता हूँ उसका, वो देखते हैं क्या। मैंने लुकअप वैल्यू की टेबल एरे दिया, देन कॉलम इंडेक्स जो मैं 1 2 3 4 करके डाल रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे सारा खेल होना है,
अब कॉलम इंडेक्स को मैं क्या कर सकता हूँ, ये फॉर्मूला मैच का, इसमें मैंने क्या किया, लुकअप वैल्यू ऊपर वाली ले ली, ठीक है जी, हेडिंग ले ली, देन मैंने क्या किया, एक ये डेटा सिलेक्ट कर लिया। हाँ, मैच को आप ऐसे भी चला सकते हैं, वर्टिकली और हॉरिजेंटली भी, ठीक है जी। तो मैंने ये डेटा सिलेक्ट कर लिया, देन जीरो, तो ये मुझे क्या दे रहा है, पोजिशन दे रहा है, ठीक है जी, कि ये एम्प्लॉय नेम सेकंड नंबर पे है। तो मुझे यहां पे क्या करना है, दो ही तो चाहिए, इसमें से कॉलम इंडेक्स ही तो चाहिए। मैच क्या कर रहा है, इंडेक्स पोजीशन आपको दे रहा है। तो यहां पे मैं लगा देता हूं यही सेम मैच का फॉर्मूला। मैच का फॉर्मूला में क्या लगाऊंगा, यहां से लुकअप करना है ये ऊपर वाली वैल्यू, इसमें करनी है, इसमें करनी है, इसको फिक्स कर देता हूं, ठीक है, ताकि इसको ड्रैग करूं तो चेंज ना है, देन जीरो, सिर्फ इतना करना है। और हाँ, इसमें क्या है कि जब मैं ड्रैग करूंगा तो ये एम्प्लॉय नेम से खिसक के इस वैल्यू को ना पकड़ ले, तो मुझे कॉलम में मूव करना है बट रो में नहीं करना है। तो मैं किसको मूव होने से रोकना चाहता हूँ, रो को, तो रो के आगे मैं लगा दूंगा डॉलर, ठीक है जी। अब इसको खाली मुझे फॉर्मूला ड्रैग करना है, इसके अंदर मैंने कोई फिक्स नहीं किया, ये यहाँ पे फिक्स नहीं किया, इस कारण से दिक्कत कर रहा है, और ये जो डेटा है मैंने ये नहीं किया, ठीक है। अब मैंने बस इस फॉर्मूले के बाद ड्रैग करना है, ये अपने आप आपको रिजल्ट दिखाएगा, मुझे बार बार कॉलम इंडेक्स चेंज करने की जरूरत नहीं। और हालांकि जब मैंने सिटी को सेल्स में बदल दिया तो ये अपने आप वैल्यू भी बदल देगा, ठीक है जी, हो गया ऑटोमेटिक। ठीक है, मैच का यूज समझ आया, यहां पे मैंने कैसे किया। हाँ जी, यहां क्लियर हुआ मैच का यूज जी सर। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। ऑफसेट को देखते हैं, ऑफसेट के लिए मैं थोड़ा सा डेटा और बढ़ा लेता हूं, क्योंकि ऑफसेट काम थोड़ा सा अलग ही है। ऑफसेट का यूज आप लोग वीडियो में अच्छा खासा करेंगे। तो मेरे पास कुछ सेल्स फिगर्स हैं, मैं क्या करना चाह रहा हूं, डेटा रिट्रीव करना। उससे पहले मैं इंडेक्स का एक और यूज बता दूं। अभी आपने देखा कि इंडेक्स से मैं खाली एक एरे से वैल्यू पुल कर रहा था, मतलब कॉलम एक ही ले रहा था, ठीक है जी। इसमें आप दो तीन कॉलम भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, आप दो तीन कॉलम भी ले सकते, बट इसमें आपको रो नंबर और कॉलम नंबर सब दोनों देना पड़ेगा। मैंने कहा एक नंबर से, रो नंबर क्या है, फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट रो नंबर एंड सेकंड कॉलम, ठीक है जी। इस डेटा में फर्स्ट रो नंबर और सेकंड कॉलम आपको, तो इंडेक्स रो के साथ ही नहीं कॉलम के साथ भी काम करता है, बशर्ते आपने मल्टी कॉलम सिलेक्ट कर रखे, ठीक है जी। कॉलम वाली वैल्यू ऑप्शनल है। देन चलते हैं ऑफसेट पे। मैं क्या करता हूं, यहां पे रो और यहां पे कॉलम ले लेता हूं, ठीक है। क्या करता हूं ऑफसेट में, यहां पे ये भी आपका लुकअप का ही काम करता है, बट इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ऑफसेट में जो पहली चीज मांगता है वो रेफरेंस मांगता है, और सब में क्या होता है कि आपको सिलेक्ट करना पड़ता है पूरा पूरा डेटा, बट इसमें क्या है कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट देना पड़ता है। मैंने कहा ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है जी, पहला पॉइंट दे दिया मैंने, ऑफसेट वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी।
रो में मैंने दे दिया ये रो का, देन कॉलम में मैंने दे दिया ये रेफरेंस, ठीक है जी। अब अभी कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब इसमें जीरो जीरो है, तो ये इसकी जीरो जीरो पोजीशन है, ठीक है। जो भी रेफरेंस चूज करेंगे वो इसकी जीरो जीरो पोजीशन होगी। अब आप देखते जाएंगे, जैसे मैं फर्स्ट रो की बात करता हूं तो ये क्या आ गया, ई जीरो जीरो वन, जीरो एंड वन, ठीक है जी, टू थ्री, जैसे भी मैं इसको चेंज करूंगा ये वहां पे उससे मुझे वैल्यू ला के देगा। अभी कॉलम मैंने चेंज नहीं किया, कॉलम जीरो का मतलब है कि रेफरेंस वाला ही कॉलम, ये वाला, ठीक है जी। अब मैं कॉलम करता हूं वन, तो क्या दे रहा है मुझे, नेम ला के दे रहा है, यहां से काउंट करेगा वन टू थ्री, थर्ड रो हो गई एंड जीरो कॉलम है वन, ठीक है जी वन। अगर यहां टू डाल दूंगा तो क्या दे देगा, नोएडा, ठीक है जी। इस तरह से आपको रिजल्ट डिस्प्ले करता है, रो कॉलम आपने देनी होती है। हालांकि अगर कभी ऐसा फंस जाए कि जहां मैच यूज करना है उसकी जगह ऑफसेट यूज करना है या इंडेक्स यूज कर रहे हैं, वहां पर क्या होगा कि आपको वन टू थ्री से स्टार्ट करेगा, ये जीरो से स्टार्ट करता है, तो आप माइनस वन या प्लस वन करके अपना वैल्यू जस्ट वो कर एडजस्ट कर सकते हैं। एसेट का मैक्सिमम यूज जो होता है वीबीए में होता है, और आपका डायनेमिक चार्ट्स में होगा। डायनेमिक चार्ट्स जब मैं पढ़ाऊंगा चार्ट का सेक्शन, उसके अंदर दिखाऊंगा आपको, ठीक है जी। जब आपको चार्ट पे कंट्रोल लगाने पड़ते हैं ना, तब ऑफसेट काम आता है। देन इसमें दो ऑप्शनल पैरामीटर और हैं, हाइट एंड विड्थ, ठीक है जी। तो हाइट मैं इसकी दो कर देता हूं, विड्थ कर देता हूं तीन, ठीक है जी। ये क्या है, क्या अभी आपको दिखाता हूं। पहला मेरे को स्टार्ट करना है जीरो वन, पहले इस पे आते, जीरो रो है वन टू थ्री, यहां आ गए कॉलम जीरो वन टू, मेरे को ये चाहिए, तो यहां पे क्या डालूंगा, थ्री थ्री, तो ये इतना डाटा चाहिए, ठीक है जी। इसके लिए मैंने क्या कर रखा है, यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, थ्री देना पड़ेगा। यहां पे मैंने क्या दिया, हाइट, हाइट टू होनी चाहिए, ये जो है ना टू होनी चाहिए, विद थ्री, विद थ्री, तीन कॉलम और दो रो, इसने ऐसा एरिया बना लिया है। पर आप कहेंगे यहां तो कुछ दिखा नहीं रहा है, पर जब मैं इसके अंदर इसको सम फंक्शन के अंदर डाल देता हूं, तो अपने आप रिजल्ट दिखा रहा है, सम ले लेगा सर। हाँ, अगर आपको सम का फंक्शन मैं इस पे लगा देता हूं इतने एरिया पे, सेम रिजल्ट दिखा रहा है, समझे। रेफरेंस का कैसे यूज किया इसको, सीधी सी बात है, यहां जीरो हो गया हमारा, यहां से उसने बोला कि भैया तीन रो नीचे आ जाओ, थर्ड रो उसके लिए ये हो गई, फिर उसने कहा तीन कॉलम आगे चले जाओ, तीन कॉलम यहां आ गया, ठीक है जी। उसके बाद इसने मतलब यहां आ गया, तीन यहां पे आएगा, ठीक है जी। उसके बाद इसने कहा कि दो हाइट ले लो, तीन विड्थ ले लो, तो दो ये हाइट हो गई और तीन ये विड्थ हो गई, तो ये सिलेक्शन हो गया इसका, ठीक है जी, ये सिलेक्शन हो गया। अब ये सिलेक्शन का जो रेफरेंस है, ये क्या करता है ना, इसकी एक रेंज बना देता है। आमतौर पे वीलुकअप मैच इंडेक्स क्या करते हैं, एक वैल्यू रिटर्न करते हैं, पर ऑफसेट ही ऐसा फंक्शन है जो आपको मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर सकते हैं। सर, एरिया को नाम देकर भी हम वेरीफाई कर सकते हो, उसमें डाल सकते हैं। अभी और थोड़ा सा इसमें और आपको समझाता हूँ, इसलिए मैंने सम का यूज किया था, क्योंकि सम क्या है कि एक रेंज को डील कर सकता है,
अगर मैं सम फंक्शन के अंदर इतनी सारी वैल्यू सप्लाई करूं तो वो सम कर सकता है, इसलिए मैंने सम दिया था यहाँ। अब मैं क्या करता हूँ, सम को हटा के और मल्टीपल वैल्यू जो एक्सेल में डील करते हैं हम किसके थ्रू करते हैं, एरे के थ्रू। तो मैं उतना ही एरिया लेता हूँ या ज्यादा भी ले लेता हूँ। तो देखिए होता क्या है, मैं F2 दबा के करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है जी। एरे फॉर्मूला क्या होता है कि एक ही फॉर्मूला होता है जो मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करता है, और ये जितनी भी सेल आप देख रहे हैं ना इन सब पे एक ही फॉर्मूला लगा हुआ है। जनरली क्या होता है, अलग अलग सेल में अलग अलग फॉर्मूला लगता है, पर सब पे एक साथ एक ही फॉर्मूला इफेक्टिव खाली एरे की फॉर्म में होता है। इसका साइन है कि दो ये ब्रैकेट्स लग जाएंगे, कर्ली ब्रैकेट। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये मेरा ये था कि ये क्या करता है, आपको रो या हाइट विड्थ के जरिए आपको दो वो तीन, अब मैं क्या करता हूँ तीन हाइट दे देता हूँ, चार विड्थ दे देता हूँ, देन कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है जी। तीन हाइट आ गई, चार विड्थ आ गई, उतना ही डेटा आ गया हमारे पास, ठीक है जी। इसका डैशबोर्ड वगैरह में भी बहुत तगड़ा यूज है, डैशबोर्ड और डायनेमिक चार्ट्स में ही इसका यूज है, वैसे नॉर्मली आप यूज नहीं करेंगे, और वीबीए में इसका एक ऑफसेट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, बाकी और ऑफसेट के बारे में सब जिक्र करेंगे जब हम चार्ट्स वगैरह पढ़ेंगे या डैशबोर्ड में। बाकी आपको वी लुकअप के और एग्जांपल दिखाता हूं मैं। अब वी लुकअप में क्या था कि अभी तक मैंने दिखाया, एक एरे के थ्रू भी आपको दिखा देता हूं कि एरे के थ्रू कैसे वर्क कराते हैं। एरे के थ्रू भी कभी कभार हमारा यूज हो जाता है, जैसे ये तीन कॉलम है, ये सबको मैंने एक साथ सिलेक्ट कर लिया, लुकअप वैल्यू यहां से चूज कर ली। हाँ मैं इसको लॉक करता हुआ चलूंगा, जो भी लॉकिंग चाहिए वो मैं करता हुआ चलूंगा इसमें। और क्या कर दिया मैंने, यहाँ तक इनको भी लॉक कर दिया टेबल एरे को। देन अब मुझे क्या करना है, कॉलम इंडेक्स देना है। तो मैं क्या करूंगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर कौन कौन से कॉलम इंडेक्स देने हैं, मैंने टू थ्री फोर, टू थ्री फोर कॉमा के अंदर दे दूंगा इन्वर्टेड कॉमा में। कॉलम इंडेक्स में ना ये मैंने तीन वैल्यू दे दी उसी के, देन बाद में जीरो, तीन वैल्यू दे दी मैंने यार, ठीक है जी, दो तीन चार इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो ये कॉलम इंडेक्स में जब देखेंगे तो ये तीन वैल्यू, और मैंने पूरे ये तीन सेल सिलेक्ट कर रखे हैं। अब मैं क्या दबाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, एक बार में आपका डेटा आ गया, ठीक है जी। तो ये होता है एक एरे फॉर्मूला, मतलब मुझे बार बार क्यों टाइप करना है, मैंने डिसाइड कर दिया कि पहला दूसरा पहला सेकंड नंबर रो से होगा, मतलब पहला में दो सप्लाई करेगा, सेकंड में यहाँ तीन सप्लाई कर देगा, चौथे तीसरे में यहाँ चार सप्लाई कर देगा, ठीक है जी। अपने आप सर, जैसे कि कर्ली ब्रैकेट में दो तीन चार दिया हुआ है, अगर हम दो की जगह तीन को रख दें और तीन की जगह चार को रख दें, कोई भी हमारा अपने हिसाब से रख सकते हैं, अपने हिसाब से रख सकते कोई नहीं। कैसे अगर ये तो चलो मान लीजिए छोटा डाटा, अगर बड़ा डाटा हो तो उसमें उस केस में क्या करेंगे, मतलब जैसे आप मैच का यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको मैच का दिखाया था बड़े कॉलम में, और मैच भी नहीं करना चाहते तो एक और फंडा है, वो मैं आपको एरे फॉर्मूला जब बताऊंगा ना तो उसमें समझाऊंगा। उसमें रो का फंक्शन यूज होगा, और रो का फंक्शन क्या करेगा कि ये हमारे पास ना कुछ वैल्यूज हैं वो अपने आप ही जनरेट करता है, जैसे ये रो करके है ना ये वाला, अब इसी में एक से साठ करके मैं ऐसे दे दूंगा, तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर,
तो ये जो है ना मेरा रो का फॉर्मूला यहाँ से मैं क्या करता हूँ आगे की वैल्यू सिलेक्ट कर, अभी ये की फॉर्मूला लगाया मैंने F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, अब देखेंगे कि एक वैल्यू इसने जनरेट कर दी है 60 तक कर गया ना सर ये छोटा सा कोड। तो जब इस तरह से कभी जनरेट करवानी होती तो रो के फॉर्मूला के थ्रू भी जनरेट करा देते, वो आपको मैं दिखाऊंगा उसमें, आप उसकी चिंता मत कीजिए, एरे के फॉर्मूला में दिखाऊंगा। अभी लोग आपके अब हाँ एरे फॉर्मूला में एक और क्या होता है कि आप इसको एक कहीं से ऐसे डिलीट नहीं कर सकते, जब भी आप कहेंगे कि ये डिलीट कर दूं तो मैं डिलीट नहीं कर सकता, क्या है आपको जिस एरिया में लगा होगा उसको सिलेक्ट करके ही डिलीट कर पाएंगे, पूरे को सिलेक्ट करके ही डिलीट कर सकते हैं, पार्ट कोई भी चेंज कर सकते। चलिए मान लीजिए आपका डेटा जो है थोड़ा सा बटा हुआ है, पहली शीट में आपका डेटा है 10 तक है, बाकी दूसरी शीट ठीक है, अब यहां भी लुकअप कैसे लगाएंगे, अब मुझे रिजल्ट क्या किसमें चाहिए तीसरी शीट में, इन दोनों शीट में आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है, अब यहाँ आपको वी लुकअप के जरिए उठाना या किसी भी और फॉर्मूला के जरिए कैसे करेंगे, वी लुकअप लगाया मैंने यहाँ लुकअप वैल्यू जो भी है डाली, लॉकिंग साथ में ही करते चले तो अच्छा है, यहाँ से मैंने ये सिलेक्ट कर लिया ठीक है जी, कॉलम इंडेक्स मैंने दे दिया जो भी देना था, बताइए कि मैं ये कैसे करूंगा अगले अगले में से वैल्यू कैसे उठाऊंगा, मान लीजिए ये तो जो उस शीट में था उसने तो डेटा दे दिया, जो उसमें नहीं है जैसे 12 16 19 यहाँ पे है तो ये कहाँ से देगा, मुझे एक ही में चाहिए, इसके लिए बड़ा सिंपल सा फंडा है मैंने आपको बताया था इफ एरर के बारे में ठीक है जी, ये करता हूँ इसी भी निकल इससे पहले क्या करता हूँ एक इफ एरर और लगा, एक इफ एरर लगा दिया वो वैल्यू, कहने का मतलब ये है कि जब ये वी लुकअप एरर दे दे तो क्या करो एक दूसरा वी लुकअप चलाओ, कौन सा जो शीट है इसका डेटा सिलेक्शन हम शीट टू से ले लेंगे, इसलिए वो चेंज कर देंगे कॉलम इंडेक्स, अब यहां आपको स्मार्ट तरीके से कॉलम इंडेक्स चेंज कर, क्योंकि डेटा तीन में भी हो सकता है, तीन शीट में भी हो सकता है, चार में भी हो सकता है, अब जब हम इसे ड्रैग करेंगे क्या हुआ जिनमें एरर आई थी उनमें दूसरा वीडियो कब चल गया, अब कहेंगे कि यार तीसरी शीट ऐड करनी है, तीसरी शीट में क्या करेंगे एक इफ एरर और ऐड कर लेंगे ठीक है, ये सारे इफ एरर एक में आ गए फिर आपको एक और मिल जाएगा यहाँ फिर से भी तो कब देती है ठीक है, चौथी शीट में तो फिर एक इफ एरर लेंगे फिर अगला भी तो कब देते, इस तरह से आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं, मल्टी शीट की तो कब लगा सकते हैं, क्लियर है ये ठीक है सर।
इंटरनेट में है और कोई बचा है हमारे पास? और बाकी आपके सारे फॉर्मूला ओवर हो चुके हैं, बाकी कल हम कुछ नई ट्रिक करेंगे, ठीक है जी? अभी इन पे वी लुकअप और समय वगैरह इन्हीं पे और बढ़ेंगे हम लोग, कल और देखेंगे, ठीक है सर?